स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। इसमें हमने बहुत सारी मैथमेटिकल क्वांटिटीज को कंपेयर किया था, जैसे रेशियो, परसेंटेज, फ्रैक्शन। रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, परसेंटेज से रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखा था, और अगर कोई डिजिट फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो उसे रेशियो की फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं ये सब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट, लॉस एंड टैक्स। इन तीन क्वांटिटीज को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले आपको देखना ये है कि प्रॉफिट और लॉस हम बोल किसको रहे हैं। जैसे मान लो आपने कोई सामान खरीदा, वो 10 रुपए का था और आपने उसको 12 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जिस रेट पर हम उस चीज को खरीदते हैं वो होती है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, इसको हमने ले लिया सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस अगर कम है सेलिंग प्राइस से, मतलब हम कम में खरीद रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। यहाँ से देखो प्रॉफिट क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। कि आप कोई 10 रुपए में कोई सामान खरीद रहे हो और उसको 12 रुपए में 11 रुपए में बेच रहे हैं, तब आपको क्या हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके। जैसे आपको दे दे कि कॉस्ट प्राइस है आपकी 1000 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है आपकी 1000 रुपीज और आपने उसको सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बेचा है, आपने उसको बेचा है 1300 रुपए में। ठीक है, 1300 रुपीज में आपने उसको बेचा है। तो यहाँ आपको पूछे कि आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो हम यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी, 1300 मतलब 1300। 1300 में से 1000 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 300। उसको 300 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये क्या होता है, इस तरह से हम प्रॉफिट निकालते हैं। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है प्रॉफिट में, कि प्रॉफिट हमेशा तब होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। यहाँ से आप इस फॉर्मूले से आप तीनों चीज निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट दिया गया हो और कॉस्ट प्राइस दी गई हो, तो आप इजीली सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ से देखो, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कि आपने जिस रेट पर वो वस्तु खरीदी थी, वो सामान खरीदा था, उसमें आप प्रॉफिट ऐड कर दो, तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछे कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे आप, यहाँ से देखो ये कॉस्ट प्राइस है, इसको इस साइड ले आओ और प्रॉफिट को इधर ले जाओ, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटा दो, अपने आप क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं। यहाँ पे लॉस, लॉस कैसे निकालते हैं, यहाँ देखो लॉस क्या होता है, जब आपने ज्यादा रुपए में कोई वस्तु को खरीदा और उसको कम दाम पर आप बेच रहे हो, तब आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मतलब घाटा हो जाएगा। तो लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है। जैसे आपकी कॉस्ट प्राइस है, आपने 500 में कोई सामान खरीदा, ठीक है, और आपने उसको बेचा कितने पे, 450 पे, मतलब 450 रुपए में आपने उसको बेच दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 500 रुपए में खरीद रहा है वो और 450 में बेच रहा है, तो उसको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। लॉस क्या होगा, कितने रुपए का लॉस होगा, 500 माइनस 450, 50 रुपीज का उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, 50 रुपीज को उसका लॉस हो जाएगा। कैसे निकाला हमने, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया, तो हमारे पास लॉस आ गया। तो यहाँ से हमने पढ़ा प्रॉफिट किसको बोलते हैं और लॉस किसको बोलते हैं, और इनको निकालने की फॉर्मूलेस क्या होते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया, लॉस तो कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, तो सीपी माइनस एसपी। और प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो, तो सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट और लॉस
कॉस्ट परसेंट दोनों कॉस्ट प्राइस पे निकाले जाते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट और गेन। गेन का मतलब भी क्या होता है कि आपको कितने रुपए का ऊपर से प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट और गेन परसेंट क्या होता है, जितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा अपॉन में आप क्या लोगे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। नीचे क्या लिखते हो आप, हमेशा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखा जाता है। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन में आगे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से, और लास्ट में आपको क्या लगाना है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो लास्ट में आप परसेंट का साइन लगा दोगे। जैसे आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस है 45 रुपीज, ठीक है, और सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 50 रुपीज, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 50 रुपीज। अब आप यहां से कैसे निकालोगे, प्रॉफिट आपको यहाँ से दिख रहा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 50 माइनस 45, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये यहाँ तक क्या आया है, अभी प्रॉफिट आया, आपको क्या निकालना है, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट कितने रुपए का हुआ, ऊपर क्या लिखना है, प्रॉफिट, जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अपॉन में क्या आएगा कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ से 45, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, आगे क्या लगा देना है परसेंट, ठीक है। यहां से देखो इनको कैसे कट करोगे आप, 5 के टेबल से 9, 100/9%, ठीक है, या फिर आप इनको कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, इनका डिवाइड करवा देना फिर जो है यहाँ पे लिख देना, ठीक है, इस तरह से आपको प्रॉफिट परसेंट निकाल। अब है हमारे पास लॉस परसेंट भी किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे। बस इतना याद रखना है, प्रॉफिट में ऊपर प्रॉफिट लिखा जाएगा और लॉस में कितने रुपए का आपको लॉस हुआ है वो ऊपर की साइड लिख देंगे अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और लास्ट में आपको साइन लगाना है परसेंटेज का। तो जैसे आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है 200, ठीक है, ₹200, सेलिंग प्राइस दे रखी है ₹175, ठीक है। अब आपको यहाँ से पहले क्या निकालना है, लॉस निकालना है। तो लॉस कितने रुपए का हुआ, 200 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और उसको 175 रुपीज में बेच दी, तो यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करो, 200 माइनस 175, कितने रुपए का लॉस हुआ, आप कहोगे 25 रुपीज का लॉस हुआ, ठीक है, 25 रुपीज का लॉस हो गया। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। यहाँ से देखो कितने रुपए का लॉस हुआ, 25 ऊपर, अपॉन में क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आप सब कुछ किस पे निकाल रहे हो, कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहे हो, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी 200, फिर क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंट का साइन लगाना है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, क्या आ गया 25/2%, या फिर सॉल्व करके आप लिख सकते हो 12.5%, इतने परसेंट का लॉस हुआ 12.5% का। तो यहां से हमने देखा कि प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस तरह से निकालते हैं। प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी। दोनों के फॉर्मूले में क्या करना है, सिर्फ यहाँ चेंज करना है, अगर प्रॉफिट परसेंट पूछे तो ऊपर प्रॉफिट लिखना है और अगर लॉस परसेंट पूछे तो ऊपर लॉस लिखना है। अब हम देखेंगे कि डिस्काउंट किसको बोलते हैं। यहाँ से हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, मार्क प्राइस और डिस्काउंट। मार्क प्राइस क्या होती है, जब आप कोई सामान लेके आते हो तो उस पर देखना, उस पर कुछ प्राइस लिखी होती है जो MP से डिनोट करते हैं कि मार्क प्राइस, उस पर कुछ प्राइस लिखी होती है जिस पर आपको वो कहता है कि डिस्काउंट, मैंने इतने रुपए का डिस्काउंट किया है। तो मार्क प्राइस क्या होगी, लेबल प्राइस या फिर प्रिंटेड प्राइस, उस पर लेबल लगा होगा वो लेबल प्राइस, या फिर उस पर जो प्रिंट कर रखा है कि जैसे कोई आपने टी शर्ट ली, ठीक है, कोई टी शर्ट ली आपने, वो कितने रुपए की है, 250 रुपीज की, ठीक है।
आपको बोला कि इसकी एक्चुअल प्राइस तो मार्क प्राइस तो क्या है 250 रुपीज है, लेकिन मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको शॉपकीपर ने कहा कि मैं आपको इस पर डिस्काउंट दे दूंगा, उसने डिस्काउंट दिया 20 रुपए का। ठीक है, 20 रुपए का इस पर डिस्काउंट दे दिया, तो मार्क प्राइस क्या हो गई जो उस पर लिखी थी, डिस्काउंट क्या हो गया उस पर कितने रुपए की छूट दे दी, मतलब उसमें कमी कर दी। तो डिस्काउंट क्या होगा, रिडक्शन ऑफर्ड। रिडक्शन क्या होता है, कमी। रिडक्शन ऑफर्ड बाय शॉपकीपर, जब कोई शॉपकीपर आपको कुछ छूट दे देता है उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। किस पर दे रहा है वो, मार्क प्राइस पर। जो लिखी हुई, जो प्रिंट करी हुई प्राइस है उसको क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। ठीक है, तो यहां से देखो, डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। प्रॉफिट और लॉस, ये दोनों प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस पर कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होता है। ये हमेशा से मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होता है, क्यों, क्योंकि जो प्रिंट की हुई प्राइस है उसी पर आप डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, आपने ये नहीं लिखा कि कॉस्ट प्राइस पर आप डिस्काउंट दे रहे हो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर वो डिस्काउंट नहीं देगा, जो लिखी हुई है पहले से बढ़ा के लिखते हैं। ठीक है, और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्यों, क्योंकि जो जिस रेट पर वो बेचेगा वो क्या है, मार्क प्राइस से कम है, क्योंकि उसने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस वो कैसे दे रहा है, जो उसकी मार्क प्राइस है उसमें से तो डिस्काउंट निकाल रहे हैं, तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट निकाल दिया, तो वो क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस। थर्ड यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा, जो मार्क प्राइस है वो सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट ही तो है, जो लिखी हुई प्राइस है उस पर वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, यहाँ पर उसने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया था, 20 रुपए का। ठीक है, सेलिंग प्राइस अब बेचेगा कितने कितने में, अगर 250 रुपए लिखे हुए हैं उस पर और डिस्काउंट दे रहा है 20 रुपए का, तो वो कितने रुपए की हो जाएगी, 230 की। तो इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा, 250 आ जाएगा, वापस क्या आ गई, मार्क प्राइस आ गई। तो यहाँ से तीन फॉर्मूले इसके बन जाएंगे। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मार्क प्राइस किसको बोलते हैं, डिस्काउंट किसको बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, और प्रॉफिट और लॉस किसे कहते हैं। अब हम यहाँ से कुछ डिस्काउंट परसेंट देखेंगे और उनके क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ से देखो, मैंने क्या बताया था कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस से निकालते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट किस पे निकालेगा, मार्क प्राइस पर। ठीक है, तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। जैसे आपने प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाला था वो किस पर था, कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन डिस्काउंट किस पर निकालते हैं, मार्क प्राइस पर। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से और देन आप परसेंट का साइन लगा दोगे, तो यहाँ से क्या आएगा, डिस्काउंट परसेंट। अब देखो कुछ बातें देखो क्या है, इफ डिस्काउंट परसेंट इज गिवन, अगर आपको डिस्काउंट परसेंट पहले से दिया हुआ हो तो आप डिस्काउंट कैसे निकालोगे, यहाँ से देखो डिस्काउंट कैसे निकालोगे, ये मार्क प्राइस इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और अकाउंट में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, मार्क प्राइस का डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट होगा। और अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो, सेलिंग प्राइस की आप कितने रुपए में उसको बेच रहे हो, तो मैंने क्या बताया था, सेलिंग प्राइस क्या होगी, आपने मार्क प्राइस पर कोई डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट हटा दो, वो क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। तो इसको आप कैसे निकालोगे फॉर्मूला से, इसका फॉर्मूला होगा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, और ये किस पर ले रहे हो आप, मार्क प्राइस पर, तो यहाँ क्या आ जाएगी, मार्क प्राइस। और अगर आपको मार्क प्राइस निकालनी हो और सेलिंग प्राइस दे रखी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, इसका जस्ट अपोजिट, मार्क प्राइस से क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। और अगर आपको कंटिन्यू बहुत सारे डिस्काउंट दे रखे हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हो वो देखेंगे। यहाँ से देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट किसको बोलते हैं, जब कोई सामान पर या कोई मार्क प्राइस पर दो से ज्यादा डिस्काउंट दे रखा हो, जैसे इफ टू और मोर डिस्काउंट्स आर अलाउड वन आफ्टर द अदर,
एक के बाद एक दो या दो से ज्यादा डिस्काउंट दे रखे हो तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। जैसे आपने कोई टी शर्ट खरीदी, ठीक है, टी शर्ट कितने रुपए की थी, 400 की, उसकी मार्क प्राइस कितनी है, 400 रुपीज। आपको शॉपकीपर ने उस पर डिस्काउंट दिया, पहला डिस्काउंट क्या दिया कि 10%। फिर आपने उससे और रिक्वेस्ट करी कि भैया थोड़ा और कम कर दो, तो उसने वापस 5% का डिस्काउंट दे दिया। तो अब आपको एक्चुअल प्राइस पता लगानी है कि अब अपन को कितने रुपए का ये पड़ रहा है, तो सेलिंग प्राइस निकालनी है कि उसने अपन को कितने रुपए में बेचा है। तो सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालोगे, मार्क प्राइस कितनी है इसकी, 400, ठीक है। यहाँ फॉर्मूले से देखो, पहले मार्क प्राइस मल्टीप्लाई, अब ये कितना है, 10% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कमी हो रही है। तो यहाँ क्या करोगे, 100 माइनस 10 अपॉन में 100, और क्या लगा दोगे, परसेंट मल्टीप्लाई डी लिख दो, यहाँ पे D1 लिख दो, ठीक है। आप पहले फॉर्मूला लिख दो, फिर नेक्स्ट आपको दूसरा डिस्काउंट मिल रहा है 5% का, तो इसको क्या लिख लोगे, D2 अपॉन 100, इसको भी क्या लगा दोगे, परसेंट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में है। अब देखो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, मार्क प्राइस कितनी है, 400 मल्टीप्लाई 100 में से आप 10 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 90 अपॉन 100, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे आप कितना, ये परसेंट हटा दो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि आपने अपॉन में 100 लगा दिया, ठीक है। D2 दूसरा उसने कितना दिया, 5% का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 95 अपॉन 100। यहाँ से आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस निकालोगे, 00 से 00 कैंसिल कर दी, मतलब यहाँ से आपने इसको कैंसिल कर दिया, 10 से 10 कैंसिल। अब आपके पास क्या बच रहा है, 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 95 अपॉन 10, ठीक है, आपके पास क्या है ये। अब आप इसको या तो 5 के टेबल से कट कर लो, जिसके भी टेबल से कट हो रहा है आप उसको कट कर लोगे, ठीक है। क्या करोगे आप यहाँ पर, यहाँ देखो 5 के टेबल से अपन ने इसको कट किया, 5 के टेबल से कट किया तो 2 टाइम्स गया, इसको 5 के टेबल से कट करो क्या आ जाएगा, 5 1 5 और 5 9 45, मतलब जब 95 को आप 5 से डिवाइड करोगे कितना टाइम्स जाएगा, 19 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 बच रहा है और ऊपर क्या है, 4, तो इसको 2 से कैंसिल करवा दो, कितना टाइम्स जाएगा, 2। अब आपके पास क्या बचा है, 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 19, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 19 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 171, और 171 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 342, ठीक है, 342 रुपीज। ये क्या है, सेलिंग प्राइस, मतलब 400 रुपए की टी शर्ट जब उस पर पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 5% का डिस्काउंट दिया, तो अब कितने रुपए की पड़ रही है वो आपको, 342 रुपीज की। तो अगर आपको अब कोई भी डिस्काउंट दे तो आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हो। आप ऐसे मत करना कि इन दोनों को ऐड करके फिर निकाल रहे हो, अलग अलग डिस्काउंट देंगे तो अलग अलग करके इसको सॉल्व करना, क्या हो जाएगा, 342 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास 342 रुपीज। नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स। टैक्स क्या होता है, कोई एडिशनल अमाउंट जब आप कोई चीज खरीदते हो तो आपको शॉपकीपर बोलता है ये एक एडिशनल आपको प्राइस देनी पड़ेगी, ये टैक्स है। तो टैक्स क्या होता है, एन एडिशनल अमाउंट हैज बीन पेड बाय अ कस्टमर, जब कोई कस्टमर एडिशनल पे करता है, अलग से पे करता है विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, जब उसकी कॉस्ट प्राइस या उसकी मार्क प्राइस से ज्यादा, जैसे कुछ भी लगा सकता है कि आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, 2% टैक्स देना पड़ेगा, ऑफ एन आइटम इज नॉन एज सेल टैक्स, तो उसको हम बोलते हैं सेल टैक्स या टैक्स। इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर, ये कौन कलेक्ट करता है, शॉपकीपर, कब, फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से ये उसको लेता है, कलेक्ट करता है, कब, जब वो उस सामान को बेचता है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, जब वो कोई सामान को बेचता है तो वो कस्टमर से कुछ एडिशनल अमाउंट को कलेक्ट करता है। फिर क्या है, एंड इज डिपोजिटेड विद द गवर्नमेंट, और ये किसको जाता है, ये टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। तो टैक्स क्या होगा, सेल टैक्स इज इक्वल टू, ये किस पे होता है, सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि जब आपको शॉपकीपर कोई गुड्स सेल करता है तो उस पर वो एडिशनल अमाउंट
ऐड करता है, तो वो एडिशनल अमाउंट क्या है, सेल टैक्स। तो जितना अमाउंट और ऐड किया है सेलिंग प्राइस में वो क्या आ जाएगा, ऊपर की साइड, और अकाउंट में क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, अब आपके बिल का टोटल अमाउंट क्या होगा, सेलिंग प्राइस कि वो सामान कितने रुपए में शॉपकीपर ने आपको बेचा है, प्लस टैक्स। ठीक, तो इस तरह से ये क्या हो गया, टैक्स हो गया। अब यहां से देखो, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक मार्क प्राइस दे रखी है किसी वस्तु की, कितने रुपए है, 840 रुपए, और उस पर सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है, 714 रुपए। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट निकालना, डिस्काउंट परसेंट आप कैसे निकालोगे, यहाँ देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा कि यहाँ पे कितना डिस्काउंट दिया गया है, यहाँ पर कितना डिस्काउंट दिया गया है। तो यहाँ देखो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आ जाएगा, 840 माइनस 714, क्या आ गया, ₹126। ठीक है, कितने रुपए आ गए यहाँ पर, 126 रुपए। ये क्या है, डिस्काउंट, मतलब उसने शॉपकीपर ने 126 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ से आप डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालोगे, डिस्काउंट परसेंट किस पर निकलता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकलता है। तो डिस्काउंट कितने रुपए का था, 126 रुपीज का, और मार्क प्राइस क्या है हमारी, 840। मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से, 0 से 0 कैंसिल कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करने पर आपके पास आएगा 15% का डिस्काउंट। इस पूरे पर कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, इस पर आपको 15% का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 टेबल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स। 18 टेबल्स की कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, 20 टेबल्स की सेलिंग प्राइस के। तो आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको इसका लॉस और लॉस परसेंट बताना है। तो आपको पहले पता लगाना होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। तो यहाँ से देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, कैसे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 टेबल्स की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 18 टेबल की कॉस्ट प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस जो भी होगी आप उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 टेबल्स की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, 18 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, 20 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, 20 टेबल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक, अब आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता लगानी है। तो यहाँ से देखो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 18 को इस साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, अकाउंट में, किसके अकाउंट में आएगा, 20/18। सेलिंग प्राइस को इस साइड लेके आओगे तो ये किसके अकाउंट में आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस के। यहाँ से ये बन गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ से देखो, सेलिंग प्राइस क्या है, 20, कॉस्ट प्राइस क्या है, 20, और सेलिंग प्राइस क्या है, 18। ठीक है, ये क्या है, 20 टेबल्स है, ये कितना है, 18 टेबल्स है। यहाँ देखो अब कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये डिफरेंस ही क्या है, ये डिफरेंस ही क्या है, लॉस है यहाँ पे। मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ, यहाँ से माइनस कर दो, 20 माइनस 18, क्या आ गया, 2। ठीक है, ये क्या है, आपको एक्चुअल पता नहीं है, रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, तो आप इसको एक्स लगा के भी लिख सकते हो, एक्स, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस पता नहीं है और सेलिंग प्राइस भी पता नहीं है, तो या तो आप एक्स लगा के लिख लो या फिर समझने के लिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस किया, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ से लॉस परसेंट क्या आ जाएगा, डिफरेंस कितने का है, 2 का, 2/ आप लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट किस पे लेते हो, कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 20, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और क्या लगा दो, परसेंट का साइन। यहाँ से देखो क्या आएगा, 20 से डिवाइड करोगे 100 को, 5 टाइम्स जाएगा, 5 मल्टीप्लाई टू 10%।
इस पूरे क्वेश्चंस में 10% का लॉस हुआ। कैसे हुआ कि 18 टेबल के कॉस्ट प्राइस किससे ज्यादा है, 20 टेबल के सेलिंग प्राइस से, और कितना लॉस परसेंट हुआ है, 10% का लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3,300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर टैक्स वॉज एडेड। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है कि उसने शॉपकीपर ने कितने रुपए में उसको बेचा, 3,300। ठीक है, टैक्स कितना दे रखा है, 10% का। अब आपको उसकी ओरिजिनल प्राइस निकालनी है। ओरिजिनल प्राइस आप कैसे निकालोगे, ऊपर क्या लिखो गया, 100। आपने मान लिया कि पहले क्या थी, 100 थी, अब उस पर कितना टैक्स लगा दिया, 10% का, तो क्या बन गया, 110, क्योंकि 100 में आप उसको, ये क्या है विदाउट टैक्स, ये क्या है विद टैक्स, किस पर दे रहे हो आप, सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, किस पर दिया आपने, सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, तो यहाँ से कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, जब आप 11 से इसको कट करोगे कितने टाइम्स जाएगा, 3 times, और एक ये जीरो, तो 100 × 30 कितना आ गया, 3,000 rupees। ठीक है, ये क्या है, उसकी एक्चुअल प्राइस है कि इतने रुपए का था, उस पर कितना ऐड कर दिया, 10% टैक्स ऐड कर दिया, तो टैक्स कितना था, यहाँ से टैक्स कितना आ गया, ओरिजिनल प्राइस क्या है, 3,000, और बाद में उसको कितने बेचा, 3,300 में, तो टैक्स क्या आ गया, 300। तो आज की क्लास यही तक, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपैरिजन। ठीक है, मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।